जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसका लगातार अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर आखिर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है और ये ट्रेड टेस्ट होता क्या है, क्या ट्रेड टेस्ट पास करना जरूरी है, ट्रेड टेस्ट में क्या सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बाहर होते हैं। बिल्कुल मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आप लोगों को सभी ट्रेडों के डाउट क्लियर होने वाले। तो आज मैं आपको सभी ट्रेडों के बारे में बताऊंगा कि आखिर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है, आखिर अभ्यर्थी फिजिकल पास होते हुए भी ट्रेड टेस्ट में क्यों बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बाहर होते हैं ट्रेड टेस्ट में। तो आज ये वीडियो देखने के बाद में भी दोस्तों आप भी ट्रेड टेस्ट में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ट्रेड टेस्ट पास कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी आप लोगों का ट्रेड टेस्ट में नहीं करवाया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद में ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में ये जानकारी अपने दोस्तों तक भी आप जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्तों तक ट्रेड टेस्ट को लेकर ये सारी की सारी अपडेट पहुंच जाए। चैनल पे पहली बार आए, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो लो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी, जो भी अपडेट आप लोगों को मिलेगी ऑफिशियली अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी ऑफिशियली जानकारी मिलने वाली है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सीआईएसएफ का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। सीआईएसएफ जब भी रिक्रूटमेंट जारी करती है ट्रेडमैन का, तो पहले ही एक नोटिस जारी कर देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहली बार ट्रेडमैन का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जानकारी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें पहले ही बता दी जाती है सीआईएसएफ की तरफ से कि आखिर हम ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाने वाले हैं। तो सारी ट्रेडों की जानकारी डिटेल से इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर आप सभी को पता है इसका जो फाइनली सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है, और मैं चाहता हूं कि अभी से आप रिटर्न पे फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बैच आप लोगों का सीआईएसएफ ट्रेडमैन में तो सिलेक्शन करवाएगा, सीआईएसएफ फायरमैन में भी करवाएगा, हेड कॉन्स्टेबल में भी करवाएगा, और सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल की तैयारी भी आपकी इसी AK-47 बैच से हो जाएगी। क्योंकि देखो इसमें सारे के सारे मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके के सारे टॉपिक आप लोगों के कवर किए गए, साथ ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, उसके साथ ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल रहा है, और ये सब कुछ मात्र 299 रुपए में मिल रहा है। तो अभी जाके AK-47 बैच कर लीजिएगा, और अभी से अपना सिलेक्शन है वो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में पक्का कर ले, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है। बार बार मैं यही बोलता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं, रिटर्न भी क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब फाइनल मैथ लिस्ट आती है तब वो एक या दो नंबर से रह जाते हैं, तब काफी ज्यादा दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा दुख आप लोगों को नहीं हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसी बैच को आज ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेड्समैन को समर्पित AK-47 बैच आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे हमारे पे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सभी टॉपिकों की बात करेंगे, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि सीआईएसएफ की तरफ से जारी किया गया, और पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को ऑफिशियली मिलने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख लीजिएगा ट्रेड टेस्ट, और ये सीआईएसएफ ने जारी किया, साफ साफ लिखा ऑल द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड पास इन पीएचटी पीटी, जितने भी बच्चे हैं पीएचटी पीटी क्वालिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाई इन नेचर। आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाई नेचर के आधार पर होगा, और ये क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप रिटर्न के लिए पास नहीं होने वाले, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ट्रेड टेस्ट तो आप लोगों को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखो सबसे पहले बात करते ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल असाइनमेंट टू बी डन विच बी द क्वालिफाइंग इन नेचर, और यहां पर साफ साफ लिखा है कि कुक ट्रेड वाले जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने कुक ट्रेड से अप्लाई किया उनका ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, ये पहले ही यहाँ पर सीआईएसएफ ने बता दिया। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, साथ ही ट्रेड टेस्ट का सेपरेट अगर आपको वोटर कैरियर स्वीपर और कुक का कोर्स चाहिए, तो जिसमें आपको सारे के सारे मसाले सब्जियां सब कुछ कैसे क्या करवाया जाता है पूरा का पूरा हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा बेस्ट एग्जाम पर मात्र 49 में। तो वहां से आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। देखो अभी आप लोग देख लीजिएगा कुकिंग ऑफ चपाती और राइस, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रोटी बनानी आनी चाहिए, वो वहां पर आपको प्रैक्टिकली तौर पर बनवाई जाएगी आप लोगों से, साथ ही राइस चावल पकाना आप लोगों को आना चाहिए। इसके साथ में आप लोगों से क्या क्या करवा सकते हैं,
कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां पकाना आप लोगों को आना चाहिए, उसके साथ ही दाल सांबर और इडली ये भी बनाना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप फौज में जा रहे हैं तो फौज में साउथ के भी जवान रहेंगे, नॉर्थ के भी रहेंगे, वेस्ट के भी रहेंगे, तो आप लोगों को ये सारे के सारे है जो सब्जियां वगैरह है वो आप लोगों को बनाने आने चाहिए। उसके साथ ही कुकिंग ऑफ मीट पीस और एग और खीर, मीट उसके साथ ही आपको खीर और अंडे बनाने भी आप लोगों को आने चाहिए। आप YouTube पे देख सकते हैं इनकी रेसिपी कैसे बनता है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करवाया जाता है, कुछ चीजें आप लोगों को ओरल भी पूछा जाता है, तो यही सारी चीजें आप लोगों को करवाई जाएगी। अगर आपने कुक ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो इन चीजों की आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। सेकेंड स्टेज में बात करते हैं अगले ट्रेड टेस्ट के बारे में। अगर आपने बूट मेकर या कोबलर के लिए अप्लाई किया है, बूट मेकर या कोबलर के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपको पता नहीं है कि आखिर ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाता है, क्योंकि इनकी कट ऑफ कम रहती है, बहुत कम अभ्यर्थी इन पोर्ट्रेट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ये जान लीजिएगा अभी से तैयारी शुरू कर दे ट्रेड टेस्ट की। देखो पहली चीज पॉलिशिंग ऑफ शूज, बूट मेकर का काम होता है जूते बनाना, तो पॉलिशिंग ऑफ शूज जूते होते हैं उनकी पॉलिश करना आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि ये पहला आप लोगों का काम होगा। दूसरा होगा हैंडलिंग ऑफ टूल्स, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोगों को पूछी जाती है हर ट्रेड टेस्ट में और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसी में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं और उस काम में जो काम आने वाले औजार है उनका नाम अगर आपको पता नहीं है तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं हैंडलिंग ऑफ टूल्स, बूट मेकर या कोबलर जितने भी औजार काम में लेता है उन सारे औजारों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कटिंग ऑफ लेदर, जो लेदर होता है उसकी कटिंग आप लोगों को करनी आनी चाहिए, उसके साथ ही रिपेयर करनी आनी चाहिए, स्ट्रेचिंग ऑफ शूज, शूज है उसकी जूतों की स्ट्रेचिंग करना आप लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा तीसरी चीज आप लोगों से नहीं करवाई जाएगी, इतनी प्रैक्टिकली आप घर पे प्रैक्टिस करके जाते हैं और इनमें से भी अगर आप 50% भी कर लेंगे तो आप आराम से बूट मेकर के ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे भाई। तीसरी चीज बात करते हैं टेलर के लिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टेलर के लिए भी अप्लाई किया, अगर टेलर के लिए बात करें तो टेलर के लिए क्या क्या करवाया जाएगा, टोकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, जो एक जवान होगा उसका पर्सन है, जवान है उसका मेजरमेंट होना चाहिए आपके, जो उसके टेलर का काम क्या होता है कपड़ों वगैरह सिलाई करना, उनकी वर्दी की सिलाई करना, तो उनका मेजरमेंट उनका शरीर का माप लेना आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना इनका शर्ट आएगा, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज कटिंग ऑफ क्लोथ, जो कपड़े होते हैं उनकी कटिंग करना आप लोगों को आना चाहिए, जब तक आप कटिंग नहीं कर पाएंगे तब तक आप उनको सिल भी नहीं पाएंगे, तो वहां पर कटिंग भी करवा के दिखाई जाएगी आप लोगों को क्लोथ्स की, कपड़ों की। उसके साथ स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है जो फौज की यूनिफॉर्म होती है उसकी स्टिचिंग करना भी आप लोगों को आना चाहिए। तीसरी चीज आती है बार्बर की बात करते हैं, इसके अलावा आप लोगों से कुछ भी नहीं करवाया जाएगा, ये ऑफिशियली है जो कि पहले ही ऐसा बता देती है। अगर आपने बार्बर के लिए अप्लाई किया है तो देखो सबसे पहला पॉइंट बार्बर का काम होता है कटिंग शेविंग वगैरह बनाना, तो सबसे पहला हैंडलिंग ऑफ टूल्स, बार्बर जो भी औजार काम में लेता है तो उन सारे औजारों के नाम वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। पहला काम यही होता है कि जितने भी जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया उस ट्रेड के जो औजार टूल्स होते हैं उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरी चीज, दूसरी चीज है हेयर कटिंग, अगर आप जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उस काम का नॉलेज होना चाहिए, अगर आप कुक के लिए जा रहे हैं तो आपको सब्जी बनाना रोटी बनाना आना चाहिए, अगर आप बार्बर के लिए जा रहे हैं तो आपको कटिंग वगैरह बनाना आनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली आप घर पे सीख के आपको जाना पड़ेगा। उसके साथ ही शेविंग बनाना भी आप लोगों को आनी चाहिए, ये तीन चीज आप लोगों से करवाई जाएगी, अगर ये तीन चीजों में से अगर आप 50% प्लस भी कर लेंगे तो भी आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। तीसरी चीज बात आती है वॉशरमैन की, जी हाँ दोस्तों वॉशरमैन को लेकर काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वॉशरमैन को लेकर भी आप एक वीडियो बनाए, तो बिल्कुल मैं वॉशरमैन के बारे में भी बता देता हूं कि वॉशरमैन के ट्रेड टेस्ट में आखिर क्या क्या करवाया जाता है। देखो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशरमैन का काम होता है कपड़े वगैरह की धुलाई करना, तो सबसे पहले आपको वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स कपड़ों की धुलाई करना आप लोगों को आना चाहिए, ये वहां पर प्रैक्टिकली तौर पर आप सब लोगों से करवाया जाएगा। उसके साथ ही आयरन ऑफ खाकी, खाकी है उसके आयरन करना आप लोगों को आना चाहिए, इस्त्री या फ्रेश करना आप लोगों को आना चाहिए, कॉटन की जो यूनिफॉर्म होती है फौज की उसके भी आपको इस्त्री या फ्रेश करना आप लोगों को आना चाहिए। उसके साथ ही आयरन ऑफ वूलन्स, टेरी कॉटन यूनिफॉर्म है उसके भी आपको आयरन करना आप लोगों को आना चाहिए, अगर इतनी चीज आप कर लेते हैं तो आप वॉशरमैन के ट्रेड टेस्ट में आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे भाई।
नेक्स्ट बात करते हैं स्वीपर ट्रेड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्वीपर ट्रेड से काफी व्यक्ति अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि स्वीपर ट्रेड से आखिर करवाया क्या जाता है। देखो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सारी चीजें, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। ये चीजें अगर आप घर पे प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको सीआईएसएफ के ट्रेड टेस्ट में कोई भी बार नहीं करने वाला। और जब आप ट्रेड टेस्ट देख के आएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि सर आपने जो बताया था उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसके अलावा हमसे कुछ भी नहीं करवाया गया। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है। देखो स्वीपर की अगर बात करें तो स्वीपर के लिए पहली चीज स्वीपिंग। देखो अगर आप सफाई कर्मचारी जा रहे हैं फौज में तो सफाई करनी तो आप लोगों को आनी चाहिए। वैसे भी जो फौज के जवान होते हैं सभी जीडी हेड कॉन्स्टेबल सभी सफाई करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन आप स्पेशली आप लोगों की ट्रेड है स्वीपिंग स्वीपर, तो आप लोगों को पहला काम है सफाई करना, आप लोगों को आना चाहिए। तो स्वीपिंग करना आप लोगों को आना चाहिए, साथ ही क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट्स है उनकी सफाई भी आप लोगों से प्रैक्टिकली तौर पर वहां पर करवाई जाएगी, तो ये भी आप लोग कैसे सफाई कर रहे हैं वो वहां पर नोट किया जाएगा। तीसरी चीज होती है क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, जो बाथरूम है उनकी सफाई आप लोगों से करवाई जाएगी। ये तीन चीज आप लोगों से वहां पर करवाई जाएगी, इसके अलावा चौथी कुछ भी नहीं करवाई जाएगी। अगर इतना काम आप कर लेंगे तो आप 100% ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, यही ट्रेड टेस्ट में आप लोगों से करवाया जाएगा। अगली है बच्चों पेंटर की बात करते हैं। अगर आपने पेंटर के लिए अप्लाई किया है तो नॉलेज ऑफ कलर, कलर का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही पेंट्स और सेट्स, छाया चित्र बनाना आप लोगों को आना चाहिए। पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड पर आप लोगों को पेंटिंग बनाना आना चाहिए। उसके साथ ही पेंटिंग और ड्राइविंग बनाना भी आप लोगों को आना चाहिए अगर आप पेंटर के लिए जा रहे हैं तो। उसके अलावा अगर आप मैसन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो मैसन का काम होता है वो प्रिपरेशन ऑफ मसाला, जो हमारा मिस्त्री होता है, जो कारीगर होता है, जो मकान वगैरह बनाता है, उनके पास में जो रहते हैं, जो उन्हें मसाला वगैरह जो ईंट पत्थर उन्हें पकड़ाते हैं, वो आप लोगों को आना चाहिए भाई। प्रिपरेशन ऑफ मसाला आना चाहिए, मैथन कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो आना चाहिए। उसके साथ ही प्लास्टरिंग ऑफ वर्क आना चाहिए, ले डाउन जो आपकी टाइल्स वगैरह लगाना आप लोगों को आना चाहिए। उसके साथ ही प्लम्बर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी नल वगैरह है तो वो टूटा है तो उसे सही करना आप लोगों को आना चाहिए। उसके साथ ही फिटिंग ऑफ टैप्स, गैस प्लस और वॉशपेस वगैरह है उनकी भी आप लोगों को सफाई वगैरह करना, साथ ही कहीं पर भी वॉशपेसन वगैरह लगाना है तो वो भी आप लोगों को लगाना आना चाहिए। उसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं माली के लिए, जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है उनके लिए मैं बता देता हूं। अगर आपने माली के लिए अप्लाई किया है तो इसमें आप लोगों को पौधों के बारे में पता होना चाहिए, बीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लांटेशन एंड मैकिंग ग्राफ्स। जी हाँ दोस्तों, पौधों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके साथ ही मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, पौधों का रख रखाव आप लोगों को आना चाहिए। उसके साथ ही नॉलेज ऑफ सीड्स, बीजों का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। इतना नॉलेज अगर आप लोगों को है तो आप माली के ट्रेड टेस्ट को भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखी है, अगर आपने वेल्डर से अप्लाई किया है तो नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टूल्स, वेल्डिंग में जो टूल्स औजार काम में आते हैं उनका नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। उसके साथ ही एयरसी वेल्डिंग प्रैक्टिकली तौर पर आप लोगों से वहां पर करवाई जाएगी, गैस वेल्डिंग भी प्रैक्टिकली तौर पर वहां पर आप लोगों से करवाई जाएगी। इतना ही आप लोगों से ट्रेड टेस्ट में करवाने वाले, इससे अलावा कुछ भी ट्रेड टेस्ट में आप लोगों से नहीं करवाया जाएगा। और इनमें से भी अगर आप 50% भी कर लेंगे तो आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि ये केवल क्वालिफाई नेचर पे, फाइनल सिलेक्शन आपका रिटर्न के बेसिस पे होता है, तो रिटर्न पे ज्यादा फोकस करना। अभी से जो बच्चे रिटर्न की तैयारी में जुट जाएंगे मैं विश्वास दिलाता हूं 100% वो सीआईएसएफ में ट्रेड्समैन में भर्ती हो जाएंगे। बाकी हेड कॉन्स्टेबल वगैरह के जो एग्जाम है वो भी आप इस कोर्स से क्रैक कर सकते हैं AK-40 Batch 7 से, क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट, उनकी पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को दिया जा रहा है, ताकि आपको और दूसरे कोर्स से तैयारी करने की जरूरत भी ना पड़े। बाकी दूसरे एग्जामों की भी तैयारी आप लोगों की इसी कोर्स से हो जाएगी। तो मात्र 299 रुपए में आप लोगों को दिया जा रहा है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी जाके डाउनलोड करें और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।